हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए को न्यू प्यारा सा व्लॉग। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो अभी चाय वाय पी ली है मैंने और मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है, पूरी झाड़ू वाड़ू निकाल दिया है। तो पूरे साफ़ सफाई हो चुकी है क्योंकि मैंने कल ही बढ़िया वॉश करके पोछा लगा दिया था, तो आज तो ओनली मैंने झाड़ू ही निकाला है। तो अभी अच्छा सफाई हो गई है और सोफे के कवर रखे हुए हैं मैंने इधर, जो कि आज मैं सोफे के कवर वॉश करूँगी मशीन में। तो बहुत दिन हो गए सोफे के कवर धुपे हुए, तो आज धोएंगे सोफे के कवर वगैरह। और कल मैंने ली थी, यहाँ हमारे इधर क्या बेचने वाला है आया था, तो हमने ये मिर्ची ली थी, तो इनको अभी छत पे भेजेंगे क्योंकि धूप में ये क्या मतलब वो क्या बोलते हैं, लूगी लूगी हो रही है, तो इनको धूप में डालने से वो कड़क हो जाएगी, फिर जैसे काम आएगी मशीन में, वो मतलब मिक्सी के अंदर पीस के काम में ले लेंगे। अच्छी मिर्ची है ये जो आती है मार्केट से, उससे तो अच्छी ही रहती है क्योंकि उसमें मिलावट वगैरह आती है। और हमारा लड्डूड़ा वो जो कि आप सभी को पता ही, सुबह सुबह गई उसके पापा की पीछे पीछे, वो देखो वो रही घुमक्कड़ यहाँ पे छिप रही है, ये बाहर आते हैं, बस इसको बहाना चाहिए बाहर आने का, आज कोई खेल रहे नहीं है इधर क्योंकि पीहू वगैरह सब गए हैं स्कूल। और इधर जो लड्डू के फ्रेंड्स रहते हैं कालू गुड्डी बुड्डी, सब वो स्कूल गए हैं आज, तो अभी कोई खेल रहा नहीं इधर, तो इसको बस पापा पापा करते करते पापा के पीछे घूम रही है लड्डू, पापा पापा करके करके चली गई उधर। तो अब वो भी गई है और मेरे को लग रही थोड़ी सी भूख क्योंकि मैंने दूध नहीं पिया है, तो मेरे को भूख लग रही है, तो मैं कुछ खाने का करती हूँ। तो बने रही है व्लॉग के साथ। और मैंने इसमें आज तकिए भी धो डाले, ओ तेरी वॉश ही नहीं हुई तकिए, तो सर्फ रह गया इसमें। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा था, जैसे धूप में डाल रही थी तो कड़क हो रहे थे, और जैसे रूम में रख देते ही मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि पानी ढोल दिया तकिए पे, तो मैंने वॉश ही कर दिया तकियों को भी, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि सर्फ रह गया इसमें। तो मेरे को लग रही थी भूख और मैं लेके आई हूँ खजूर, और खजूर खा के मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मैं आज थोड़ी जल्दी फ्री हो गई, वरना मेरे को मतलब नहाने में एक डेढ़ बज जाते हैं, मतलब डेढ़ दो तो बज ही जाते हैं फ्री होते होते। भूख लग रही थी मुझे, खा लो यार थोड़ी। तो अभी फिर मैं जाऊँगी नहाने और फिर मैं ना के लड्डू को भी नहलाऊंगी क्योंकि कल उसको नहलाया नहीं था, खेल रही थी वो बाहर आई नहीं अंदर, और कल थोड़ी ठंड भी थी इस वजह से नहलाया नहीं था मैंने, तो उसको भी नहलाएंगे फिर। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और अभी लड्डू को नहला, अरे चला जा नहलाना बाकी है, मैंने दीपक भी लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, लड्डू को भी खाना खिलाना है अभी, फिर बाद में लड्डू को नहलाएंगे। गाइस अभी बना रही है चाय, बन चुकी है चाय, बन चुकी है लड्डू, मैं सो गई थी जब सो के उठ चुके हैं, फिर बनाएंगे आज आलू मटर की सब्जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? और ये हमारे डीडी भैया और भाई भर ये शक्कर दादा और ये लड्डूड़ी काई चढ़ रहे थे लड्डू आ तो टाउन है लड्डू बोल आ ला हा तो गाइस मैं भूल गई भर के आ गई पानी को, पर चढ़ा के नहीं आई। तो ठीक है गाइस बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस मैंने टमाटर प्याज, इसमें भी प्याज और मिर्ची और मटर और लहसुन वगैरह सब पेस्ट कट कर लिया है, इधर आलू भी कट हो चुके हैं और इसमें है तेल, और मैं बना रही हूँ आज आलू मटर टमाटर की सब्जी क्योंकि मेरी इच्छा हो रही थी, तो मटर नहीं थे तो मैंने मटर मंगवाए बाहर से, तो वैसे भी मैंने इसमें सारा मसाला डाल दिया है, प्याज मटर मिर्ची आलू और टमाटर बाकी है, अभी मैं इनको कर रही हूँ फ्राई।
और इधर हमारा लड्डूड़ा खेल रहा है और हमने खाई अभी पपीता और खुशी बना रही है रोटी और ये हमारा लड्डूड़ा जी बहुत शैतान। लड्डू इधर देखना, पपीता खा ली तूने? खा ला। तो अभी मैंने डाल लिया है मिर्ची मसाला, मसाला पकाएंगे अब। हमारी गुन्नू देवी कर दिए बर्तन साफ। अच्छा, तो इसमें पानी डाल दिया है मैंने मसाला पकाने के लिए थोड़ा सा। लड्डू कर रही है बुआ, बुआ इसकी बुआ आ गई स्कूल से, ये जा रही है जो अभी जाते ही बोलेगी मम बुआ चीजी। हाँ लड्डू मिठाई खा रहा है, तू नीचे तो खाए फेरी आई को ना, चप्पल कहाँ है तेरी, सॉक्स भी ना फेरी। हाँ तो गाइस सब्जी का मसाला पकने ही वाला है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मेरे को। खा रहे हैं सब खाना और मैंने खा लिया है। कैंगी बढ़िया सब्जी, सही। तो गाइस अभी खाना वाना खा के सब लोग फ्री हो चुके हैं, मैं भी खाना वाना खा के फ्री हो गई, बर्तन वर्तन साफ हो गए और अब मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ, फिर मैं बाहर जाऊँगी घूमने क्योंकि मेरा खाना खाने के बाद मेरे से खड़ा भी नहीं रह जाता और बैठा भी नहीं रह जाता, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ फिर बाहर जाके घूमूंगी मैं। तो बने रही, ये लोग आ चुके हैं मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, मैं रेस्ट कर रही थी और ये नहीं कि मेरे साथ वीडियो बनाओ। एक इधर छिप गई इसके पीछे थोड़ी के भी साउंड ने ला दे मैं। तो ये आया रील्स बनाने के लिए, ये गाइस इमोशनल गाने पे वीडियो बना रहे हैं। बड़ रोऊंगा थोड़ी देर में, डड़ा डड़ा ये छोटा क्रिएटर बहुत ज्यादा मस्ती करता है हमारे। तो गाइस प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि मतलब अलग कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, तो मेरा इस प्रेगनेंसी में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने मतलब पहले तो खाया था मैंने चटपटा, उसके बाद मैंने मतलब इतना तीखा खाया था ना, मिर्ची मिर्ची खाती थी मैं, मिर्ची खाने का मन होता था मेरा तो मैं ज़्यादातर मिर्ची मिर्ची खाती थी, और अभी थोड़े दिन बाद अब मेरा हो रहा है मतलब मीठा खाने का मन होता था तो मीठा भी खाई हूँ मैं, तीखा भी खाई हूँ मैं, चटपटा भी खाई हूँ मैं। अब बोलते हैं कि खट्टा वगैरह खाते हैं चटपटा तो लड़की होती है और मीठा और तीखा खाते हैं तो लड़की लड़का होता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन लड्डू के टाइम पर मैंने खट्टा ज़्यादा खाया था, मतलब खट्टा खाने का ज़्यादा मन होता था मेरा, तो लेकिन मैं इस बार तो मैंने ज़्यादा कुछ चटपटा ज़्यादा खाया है, मिर्ची मिर्ची बहुत ज़्यादा खाई है, मीठा खाने का भी मन होता था कभी कभी होता था, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्या पता आप खाने का खाने के उससे पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। मैं तो सब खाती थी लेकिन मीठा भी खट्टा भी चरका भी तीखा भी सब मिक्स में है। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो कैसी लगी वीडियो, आप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल फैमिली।